कुत्ते ने काटा इनको कुछ नहीं हुआ, काटा भी नहीं, खरोंच मारी इनको कुछ नहीं हुआ, अच्छे खासे घूम रहे थे। धक्के से लोगों के दिमाग में डर बिठा के, इनके डर बिठा के 8 इंजेक्शन लगाए, उल्टा इनके बाद इनका दिमाग खराब हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे पास अभी भी हैं हॉस्पिटल में, जिन्होंने वो 200 करोड़ सुइयों में से एक सुई लगवाई और किडनी फेल हो गई, कैंसर हो गया, तो ऐसे लोग हैं अभी हमारे पास। बट वही बात है ना, अगर मैं उसका नाम ले दूंगा फिर मेरे पे केस ठोक देंगे। एक और मॉडर्न पैथी में सिर्फ बोला जाता है आप ट्रांसप्लांट कराओ और डायलिसिस कराओ, डायलिसिस कराओ पहले, और जब परेशान हो जाओ डायलिसिस से तब ट्रांसप्लांट करा लो, और कोई गारंटी नहीं कितने दिन चलेगा। किसी का 30 दिन में फेल हो जाता है, किसी का 30 मिनट में फेल हो जाता है, किसी का 3 साल में फेल हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आयुर्वेद की शरण में आए, हिम्स में तो आए ही आए। कुत्ते ने काटा, उनको इंजेक्शन लगे, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई। तो भैया मैं तो बोलता हूँ कुत्ते ने काटा इंजेक्शन क्यों लगवाए, तो कहते करूँ क्या मैं, कुत्ते को काट लेते। अब ये भी कोई तरीका तो नहीं है, मैं ये भी बोल सकता था, लेकिन कुत्ते ने काटा तो करना क्या चाहिए, बेसिकली करना ये चाहिए था 3 दिन खाना नहीं खाना चाहिए था, ताकि बॉडी खुद ही उस कुत्ते के अगर कोई वायरस आया तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती। वही कहते हैं हम अपना में करना चाहिए। जानवर क्या करते हैं, जंगल में रहते हैं तो जब भी बीमार पड़ते हैं 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए खाना छोड़ देते हैं। बट तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, दूध चाहिए, रस चाहिए, ब्रेड चाहिए, खिचड़ी चाहिए, दही चाहिए, नहीं चाहिए भाई, तो वैक्सीन की जरूरत ही नहीं थी। आप ये पेशेंट से मिल लो, आप खुद पूछ लो इनको तकलीफ कब शुरू हुई, आप ही बता दो आपको दिक्कत कब शुरू हुई, आपको तकलीफ कब से शुरू हुई थी। मेरे को पिछले साल हुई थी मैडम, ऐसा हुआ पागल कुत्ते ने, पागल कुत्ता नहीं था, कुत्ता ठीक था, उसने खरोच ली जरा सी, फिर वहाँ पर हल्ले मोहल्ले के डॉक्टर लोग, उनने क्या बोला कि आपको मतलब टेटनस के टीका करना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसको सीरियस लिया, उस बात को नहीं लिया था, क्योंकि ऐसी खरोचे हमारे को बचपन में पहले भी दी हुई है, हम ऐसी चीज़ पर अमल नहीं ना करते थे पहले। मेरी उम्र इस वक्त 72 साल की है, तो पिछले साल 70 साल की उम्र में मेरे को भी खेल खेलना पड़ा यहाँ। फिर क्या हुआ, बोले आपको टेटनस के टीके करने चाहिए थे, आपको भाई पागल कुत्ते के टीके करने चाहिए थे। फिर मेरे को सही उनको ने मतलब झटके धमका दिया ना, 4 आदमी लगे बोलने, फिर मैं मेरा पजल सा हो गया, सवेरे मेरे दिमाग लेके आनी, फिर वहाँ पर ये टेटनस का टीका दिया, 8 इंजेक्शन लगातार पागल कुत्ते के दिए, 4 दिए बाजू में, 4 दिए इधर से, 2-2 कंधे से, उसके बाद में एकदम खुद ही सच पागल हो गया, मतलब उल्टा ये पागल हो गए। मतलब आप सुन रहे हो ध्यान से, कुत्ते ने काटा इनको कुछ नहीं हुआ, काटा भी नहीं, खरोंच मारी इनको कुछ नहीं हुआ, अच्छे खासे घूम रहे थे। धक्के से लोगों के दिमाग में डर बिठा के, इनके डर बिठा के 8 इंजेक्शन लगाए, उल्टा इनके बाद इनका दिमाग खराब हो गया, समझ रहे हो अब। तो ये ड्रामा चलता है देश में। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या हुआ, बोले आपको यूरिक एसिड हो गया। 1.5 साल उसका इलाज करता रहा, बड़ी मुश्किल से यूरिक एसिड कंट्रोल आया अन्नी में, प्राइवेट में वो भी काफ़ी पैसा खर्च किया। यूरिक एसिड खत्म, उसके बाद बोले तेरे को थायराइड हो गया, वारा मिला भी ओके बीमारी है, बोले आपको तो लाइफ टाइम दवाई खानी पड़नी। अच्छा, फिर गया मंडी, मेरी बेटी मंडी भी आई है, फिर वहाँ पर मतलब दवाइयाँ एडमिट हुआ, दवाइयाँ खाता रहा, इलाज चलता रहा। उसके बाद जब मैं तंग आ गया बिल्कुल, एक दिन फिर मैं जब नीचे से आया, दवाइयाँ जब तक होनी दवाइयाँ तब तक दर्दें नहीं होनी, दवाइयाँ खत्म हुई ही नहीं, 2 दिन गैप हुए नहीं कि दोबारा दर्दे शुरू। फिर मैं मंजे पर बैठा हुआ था, मैंने इनका आचार्य जी का प्रोग्राम टीवी में देखा, एक चैनल लगाया उसमें भी इनकी ट्रीटमेंट आ रही है, 2 लगाया, 3-4, फिर मेरा दिमाग उस पर घूम गया। अरे मैंने, मेरे बेटे नीचे यहाँ प्राइवेट जॉब करते हैं चंडीगढ़ में, अरे मतलब क्यों नहीं, मैंने कहा इनका फ़ोन नंबर लिया, फिर मैंने सीधा फ़ोन किया, वो हुआ नीचे के लिए माली के लिए, उनके अमीरा गौतम के वहाँ के लिए, हमारे फिर चंडीगढ़ क्लिनिक से इनका ट्रीटमेंट चला, फिर ये काफ़ी ठीक हुए। अब ये दोबारा से हॉस्पिटल में अपने सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आए हैं। मैं जस्ट इनके माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह मेडिकल माफिया ने मार्केट में चीज़ों को एंडोर्स किया हुआ है और उसके बाद लोग भुगतते हैं। जैसे अभी कुछ लोग ऐसे हैं हमारे पास अभी भी हैं हॉस्पिटल में, जिन्होंने वो 200 करोड़ सुइयों में से एक सुई लगवाई और किडनी फेल हो गई, कैंसर हो गया, तो ऐसे लोग हैं अभी हमारे पास। बट वही बात है ना, अगर मैं उसका नाम ले दूंगा फिर मेरे पे केस ठोक देंगे एक और, तो इस चक्कर में हम इशारों में उसको सुई बोल देते हैं, या हम पैंडेमिक को प्लैंडेमिक बोल देते हैं, तो क्योंकि ये पूरी दुनिया में प्लान के तहत ही लाके सिर्फ लोगों का पैसा लूटने के लिए। और भी पेशेंट हैं, आप मिल सकते हो, आप ये भी किडनी के पेशेंट, हाँ आप बता दीजिए कितने दिन हो गए आपको हमारे हॉस्पिटल में आए हुए। एक सप्ताह। एक सप्ताह में आपको क्या तकलीफ थी पहले?
हमको रीढ़ में दर्द था, गैस बहुत बनता था, बीपी ज़्यादा हाई रहता था, पेट साफ नहीं होता था, सर में दर्द, जैसे बीपी ज़्यादा होता था सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता था। तो यहाँ आए तो मेरा बीपी भी नॉर्मल रहने लगा, पेट भी साफ होने लगा, और रीढ़ का दर्द तो एक दिन में ही ठीक हो गया। हाँ, घुटना का दर्द भी तीन दिन में ठीक हो गया। मैं एक दिन में रीढ़ का दर्द, हाँ मैं सो नहीं पाती थी रीढ़ के दर्द का। में आपके पैर का दर्द, हाँ सबसे बड़ी बात तो हर तीन घंटे पे एक टैबलेट खाना होता था, बीपी रोज की सात गोलियां खाती थी। और इसके अलावा टोटल कितनी गोलियां खाते थे? और भी चार पांच गोलियां अलग से। आप इनके? हम हस्बैंड हैं। कौन से शहर से आए हो आप लोग? दरभंगा बिहार से। दरभंगा बिहार से। अभी सात दिन आपको यहाँ हो गए हैं, आपको अभी अपने आप में फर्क क्या लग रहा है? चार महीना से तो बिल्कुल सर दर्द भारी रहता था जिससे परेशान रहती थी, अब तो वो तो गायब ही हो गया है। मतलब सर दर्द भी, हाँ, पैर का दर्द गायब हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे एक किडनी के पेशेंट हैं, अगर हम इनका DTPA स्कैन देखते हैं तो सभी किडनी के पेशेंट को DTPA स्कैन कराना चाहिए। इनकी किडनी लगभग 14% काम कर रही है। तो ये किडनी, मतलब इसको बोलते हैं ESRD, एंड स्टेज रेनल डिजीज़, यानी कि 20% से अगर नीचे होगी तो पाँचवीं किडनी स्टेज 5 बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में मॉडर्न के अंदर, मॉडर्न पैथी में सिर्फ बोला जाता है आप ट्रांसप्लांट कराओ और डायलिसिस कराओ। डायलिसिस कराओ पहले, और जब परेशान हो जाओ डायलिसिस से तब ट्रांसप्लांट करा लो। और कोई गारंटी नहीं कितने दिन चलेगा। किसी का 30 दिन में फेल हो जाता है, किसी का 30 मिनट में फेल हो जाता है, किसी का 3 साल में फेल हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ यही व्यक्ति, हर व्यक्ति के शरीर में वो शक्ति है अपने आप को ठीक करने की। हम सिर्फ डाइट बताते हैं, लाइफस्टाइल सिखाते हैं, खाना पीना सिखाते हैं। अब ये जो DTPA स्कैन है, ये 3 महीने बाद दोबारा करवाना है, तो इनको खुद दिखेगा कि मेरी किडनी कितने परसेंट इंप्रूव हो गई। तो सारे पेशेंट सुन लें, ये जो आप क्रिएटिनिन कराते हो, यूरिया कराते हो, फास्फोरस कराते हो, ये सब कराओ, लेकिन जो रिलाय करो, जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, वो DTPA स्कैन है, न्यूक्लियर स्कैन है। तो इस स्कैन से ही पता लगता है आपकी किडनी कितने परसेंट काम कर रही है और कितने परसेंट इंप्रूव हुई है, तो उससे ही फर्क पड़े। तो आप क्या कहना चाहोगे पूरे देश के लोगों को आयुर्वेद के बारे में या नेचुरोपैथी के बारे में? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आयुर्वेद की शरण में आए, हिम्स में तो आए ही आए, यहाँ आके पूरा रिलैक्स हो पाता था। ये पास पड़ता था, मैं वहाँ भी गया था, लेकिन ये बोले कि जब मैं घर से निकल ही रही हूँ तो चंडीगढ़ ही जाऊँ। अच्छा, मतलब लखनऊ हॉस्पिटल में जाए हो आप? ठीक है ठीक है। उससे पहले मैं PGI लखनऊ में दिखवा रही। अच्छा ठीक है, चलो देश के लोग आपको देख रहे हैं तो सबका भला होगा। मतलब PGI के पेशेंट आपके पास में ही आए हैं, PGI जो कि इतना बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, उससे बड़ा हॉस्पिटल कोई है ही नहीं जैसा कि कहा जाता है, और वहाँ पे हर चीज़ का जो इलाज रहता है। ये है PGI या मुझे एम्स या किसी बड़े हॉस्पिटल से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब दुनिया का हर जानवर जब जंगल में रहकर अपने आप को खुद ठीक करने की कला जानता है, तो इंसान से उसकी कला क्यों छीनी जा रही है? इंसान की वो कला याद कराओ ना कि तुम स्वयं भगवान हो। जब ऋग्वेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंसान को भगवान ने अपनी छवि के रूप में बनाया, तो वो बीमार लाचार तो नहीं हो सकता ना। यानी कि कहीं गाइडेंस में कमी है, कहीं नॉलेज की कमी है। तो इसीलिए हम बोलते हैं नंगे पांव जमीन पे घूमने के लिए, ताकि तुम्हारा भी वो पीनियल ग्लैंड, तुम्हारी वो छठी इंद्री, तुम्हारी वो सिक्स सेंस, तुम्हारी वो भगवान शिव की तीसरी आँख जागृत हो जाए, तुम्हें खुद समझ आए कि मेरी ही बॉडी भगवान है और मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। और यही हम लोगों को सिखा रहे हैं और बता रहे हैं। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने समझाया सबको कि अपनी इंद्रियों को अपने आप जागृत करो। थैंक यू मैम, थैंक यू, नमस्कार। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है, हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुँचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।